गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ईलियम अकॉर्डिंग टू डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन स्टमक एंड ड्यूओडेनम. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ईलियम. फ्रॉम ड्यूओडेनम फूड रीचेस द ईलियम बाय पेरिस्टाल्टिक, इट इज कॉल्ड काइल. ओके, हमने काइमा और काइल के बारे में पढ़ा था. स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस को मिलाने के बाद जब डाइजेस्टेड फूड के छोटे छोटे बाउल होते हैं उनको काइम कहा जाता है. देन इट गोज़ टू ड्यूओडेनम एंड इन ड्यूओडेनम डाइजेस्टिव जूसेस के मिक्स होने के बाद इसके जो छोटे छोटे बाउल होते हैं दैट इज़ कॉल्ड काइल. एंड फ्रॉम ड्यूओडेनम इट्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड रीचेज द ilium, small intestine. Okay, the inner surface of ilium contains two types of glands, Brunner's gland. This gland secret mucin of alkaline nature. Okay, and mucin facilitated the process of food and protect the wall of intestine from the action of enzyme. And second one is crypts of Leverkusen or intestinal glands. These are simple tubular glands which open into the spaces between neighboring villi. Crypts of Leverkusen contains various types of cells which secretes mucus and enzymes. This secretion is called intestinal juice or succus enteritus. pH of intestinal juice is about 7 to 6 and lightly acidic. Okay, secretion of intestinal juice succus enteritus and their action erepsin. It is a group of complex proteolytic enzyme which ends the digestion of protein. Okay, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है एंड इट कन्वर्स पॉलीपेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड्स. अभी तक प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो पॉलीपेप्टाइड के रूप में हो चुका था और अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स में इरेप्सिन एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट कर दिया जाता है. एंड इरेप्सिन कंटेंस फॉलोइंग एंजाइम्स विच वर्क्स बेस्ट एट पीएच 8.4 में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है. लाइक अमीनो पेप्टाइडेज पेप्टाइडेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड डाई पेप्टाइडेज. ओके, अमीनो पेप्टाइडेज कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड्स एंड ट्राई पेप्टाइड्स इंटू अमीनो एसिड्स. कार्बो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आल्सो कन्वर्ट पॉली एंड ट्राई पेप्टाइड्स इंटू अमीनो एसिड्स. एंड डाइपेप्टाइडेस दे ब्रेक डाइपेप्टाइड्स इंटू अमीनो एसिड्स. सो फाइनली प्रोटीन का ब्रेक डाउन किस में हो गया, अमीनो एसिड्स में हो गया. सेकेंड लाइपेज, इट इज वीक स्टेबल एंजाइम विच कम्प्लीटेड द डाइजेशन ऑफ फैट. लाइपेज जो है वो फैट का कम्प्लीट डाइजेशन कर देता है. एंड इंट्रोपेप्टाइडेस इट एक्ट एज एक्टिवेटर चेंजेस ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन इंटू एक्टिव ट्रिप्सिन. एंड सिक्रीज लैक्टोज एंड माल्टेज, दीज एंजाइम्स कन्वर्ट कैन सुगर लैक्टोज एंड माल्टोज इंटू मोनोसेक्राइड्स. एंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोटाइड्स, दीज एंजाइम्स एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए एंड स्प्लिट्स देम फर्स्ट इंटू न्यूक्लियोटाइड्स एंड देन इंटू न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लिक एसिड जिससे मिलकर बना है उसी में इसको फिर से ब्रेक डाउन कर देते हैं. एंड आर्गिनेस इट कन्वर्ट आर्जिनिन इंटू यूरिया बाई ऑर्निथिन साइकिल. एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड्स जो है वो उससे यूरिया एंड यूरिक एसिड्स कैसे बनता है, ये ऑर्निथिन साइकल्स कहलाता है. एंड द इंटेस्टाइनल वॉल आल्सो सोस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ड्यू टू विच
द डाइजेस्टिव फूड इज कन्वर्ट इन टू द फॉर्म ऑफ थिक पेस्ट एंड इट मूव्स स्लोली डाउनवर्ड्स इन द इंटेस्टाइन. ओके एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हीयर. अब क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाता है. एंड अनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इंटू मोनोसेक्राइड्स प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड्स एंड मोनोपेप्टाइड्स फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराल एंड न्यूक्लिक एसिड इंटू नाइट्रोजिनस बेसिस एंड शुगर. तो जो फूड पार्टिकल्स जिससे मिलके बना है, लाइक प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड्स से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके बना है, एंड फैटी एसिड जो है वो आपका ग्लिसराल है उससे बना है, और न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस एंड शुगर से बना है. तो ये इसी में ब्रेक डाउन हो जाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में. इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन इलियम. इलियम में ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का प्रोसेस अब कम्प्लीट हो गया. अब जो बच गया जिनका डाइजेशन नहीं हुआ वो वेस्टेज मटेरियल होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट कर दिया जाता है. हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द हर्बिवोरस मैमल्स सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड इन सीकम. जितने भी हर्बिवोरस इन मैमल्स हैं लाइक काउ गोट एक्सेट्रा उनमें इनका डाइजेशन सेल्यूलोज का डाइजेशन जो है वो सीकम में होता है, और सीकम में इसको डाइजेस्ट करने के लिए सम बैक्टीरिया आर फाउंड हेयर. ओके इट डज नॉट कंटेन सेल्यूलोज डाइजेस्टेड एंजाइम रेदर कंटेन्स बैक्टीरिया आर फाउंड इन सीकम विच कन्वर्ट सेल्यूलोज इंटू शुगर्स एंड इट इज वेरी स्मॉल अनलेस एंड वेस्टिजियल इन नेचर इन मैन. मैन में ये क्या है, फॉसिस के रूप में होता है, वेस्टिजियल मटेरियल के रूप में होता है सीकम. इसका कोई यूज़ नहीं होता है और ये इसका साइज भी बहुत छोटा होता है. इट नेवर टेक्स पार्ट इन डाइजेशन. कभी भी ये डाइजेशन में पार्ट नहीं लेता. ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ सेलुलोज डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल इन हर्बिवोर्स आर लार्जर इन साइज. और हर्बिवोर्स में वेजिटेरियन होने के कारण सेलुलोज का डाइजेशन सिकम में होता है, इसलिए इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज इन साइज में होता है. सो द डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन. डाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता एज इट हैज़ नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते. लार्ज इंटेस्टाइन सिंपली सीक्रेट्स म्यूकस फ्रॉम द ग्लोबलेट सेल्स विच सर्व्स एज ल्यूब्रिकेंट टू फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ओके द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन कलेक्टेड इन द रेक्टम. लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है उसमें जाके ठहर जाता है. एंड इन द कैविटी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर फाउंड. यहाँ पर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं. दिस फॉर्मेट द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ फूड विच आर रेडी टू बी एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर थ्रू एनस. ओके एंड ड्यू टू दिस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड H2S मेथेन अमोनिया एंड सम अदर गैसेस आर फॉर्म्ड एंड दीज आल्सो कम आउट थ्रू एनस विथ बैड एडोर. ओके यहाँ पर ओनली वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. म्यूकस का सिक्रेशन होता है जिससे फूड जो है वो आगे बढ़ता है. बैक्टीरिया के प्रेजेंस के कारण ये जो है वेस्टेज फूड मटेरियल जो है वो फिकल मटर में कन्वर्ट हो जाता है और एनस के थ्रू इसको बाहर कर दिया जाता है. और इस प्रोसेस में बहुत सारे गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड H2S मेथेन अमोनिया एक्सेट्रा का फॉर्मेशन होता है जो कि एनस के थ्रू बेड एडोर के रूप में बाहर कर दिया जाता है. ओके सो फाइनली इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन के प्रोसेस में जो हम फूड मटेरियल लेते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट
एंजाइम एमाइलेस के प्रेजेंस में डाइसेक्राइड्स माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज डेक्सट्रिन में कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में, एंड एंजाइम माल्टेज आइसोमाल्टेज सिक्रेस लैक्टेज के प्रेजेंस में ये फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी से मिलके कार्बोहाइड्रेट बना होता है, इसी में इसको डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन बॉडी में फिर इसका यूज़ किया जाता है। ओके, प्रोटीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में इसको पॉलीपेप्टाइड्स काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसको फाइनल प्रोडक्ट एमिनो एसिड्स एंड एमिनो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फैट जो है वो बाइल साल्ट के प्रेजेंस में इमल्सिफाइड फैट के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी से मिलकर बना होता है फैट हमारा। ओके, एंड फाइनली न्यूक्लिक एसिड्स मीन्स डीएनए एंड आरएनए एंड अदर सब्सटेंस न्यूक्लियाइजेस एंजाइम के प्रेजेंस में इसको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसको फाइनली नाइट्रोजिनस बेसिस एंड पेंटोज फॉस्फेट जिससे मिलकर ये बना होता है उसी में फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ कैविटी से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक हम जो फूड पार्टिकल्स हम अपने बॉडी में लेते हैं उनका डाइजेशन किया जाता है, उनको ब्रेक डाउन करके अगेन जिससे ये बना होता है उसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर बॉडी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है एसाइमिलेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।